यूनाइटेड स्टडीज अब्रॉड कंसल्टेंट्स द्वारा यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में आयोजित एक दिवसीय MBBS करियर काउंसलिंग मार्गदर्शन शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शिविर को नीट के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का उम्दा समर्थन मिला। शहर के साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में रविवार को यूनाइटेड स्टडीज अब्रॉड कंसल्टेंट द्वारा आयोजित एक दिवसीय मार्गदर्शन शिविर का शानदार समापन हुआ। इस शिविर में उपस्थितों ने MBBS करियर काउंसिलिंग के तहत दी गई जानकारी पर समाधान व्यक्त करते हुए इस आयोजन की पहल के लिए आयोजकों को बधाई भी दी। इस कार्यक्रम में नीट परीक्षा देने वाले और नीट परीक्षा की दोबारा तैयारी कर रहे छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। यूनाइटेड स्टडीज अब्रॉड कंसल्टेंट के डायरेक्टर चार्टर अकाउंटेंट सोहराब खान और करियर काउंसिलर प्राध्यापक सज्जाद अहमद खान ने विद्यार्थियों सहित अभिभावकों का MBBS करियर के संदर्भ में सहज और सटीक तरीके से मार्गदर्शन किया। इस मौके पर विदेशों में MBBS की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भारत और विदेशों में MBBS शिक्षा खर्च का तुलनात्मक ब्यौरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उच्चतम विश्वविद्यालयों की जानकारी, नेक्स्ट एग्जाम, उसकी तैयारी और इंटर्नशिप के साथ ही दुनिया भर में रोजगार के अवसर और विद्यार्थियों को मिलने वाली सहूलतें, स्टाइफंड, आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्टल, लाइब्रेरीज, भारतीय व्यंजन सहित अलग अलग देशों का वातावरण, भारत देश से विभिन्न देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध और विदेशों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा और इन सब में यूनाइटेड अब्रॉड स्टडीज कंसल्टेंसी का अपने विद्यार्थियों के साथ 2400 घंटे संपर्क, भारत में वापस आने के बाद जॉब हासिल करने का रेशो, इसके साथ ही पिछले 10 सालों की अपनी विभिन्न उपलब्धियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस शिविर में प्रश्नकाल के दौरान अभिभावक और विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए हर सवाल पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोहराब खान और प्राध्यापक सज्जाद अहमद खान ने समाधानपूर्ण तरीके से जवाब देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस शिविर का समापन गिरीश बर्डे सर के आभार प्रदर्शन से हुआ। थोड्याफार प्रमाणामध्ये काही लोकांना माहीत असते, परंतु परदेशामध्ये आपल्या देशामध्ये जर समजा MBBS करायचं असेल तर 80 लाख रुपये, 1 कोटी रुपये, 1.25 कोटी रुपये आज खर्च करावा लागतो, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे। आणि हे दुर्दैवाची गोष्ट आहे, ज्यांच्याजवळ पैसा आहे ते डॉक्टर होईल, ज्यांच्याजवळ पैसा नाही त्यांनी काय करायचं। मग जे डॉक्टर 20-25 लाखापासून 35-40 लाखापर्यंत परदेशामध्ये तिथे राहून जेवण खावून करून सगळ्या गोष्टी करून जर डॉक्टर होत आहे, आपल्या देशामध्ये 80 लाख रुपये, 1 कोटी रुपये लागत आहे, का लागत आहे, या सगळ्या गोष्टी सुद्धा आपण या ठिकाणी विचार केला पाहिजे। या ठिकाणी आदरणीय जुबेर सर, अजित सर, सोरेब सर यांनी जी काही माहिती दिली ती खरोखर अतिशय चांगली माहिती आहे। डॉक्टर म्हणजे काय, एक प्रकारे रुग्णांची सेवा करणारा, एक प्रकारचा देवदूत ज्याला म्हणतो आपण, ते घडवण्याचं काम या मंडळींद्वारा होत आहे। आणि त्यामुळे त्यांना मी खरोखर मनापासून धन्यवाद देतो। सोरेब सर आहे, त्याच्यानंतर सज्जाद सर आणि जुबेर भाई यांनी जे ज्यांचं न्यूज चॅनल आहे अतिशय चांगल्या मुद्द्यावरती हात घालतात, ते सबस्क्राईब करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। आणि यांनी हा जो अतिशय चांगलं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी सर्व दिग्रसकरांच्या वतीने, सर्व पालकांच्या वतीने, विद्यार्थ्यांच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो। धन्यवाद सर। कुल मिलाकर इस शिविर में बड़ी संख्या में शामिल होकर नीट के विद्यार्थियों ने न सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी बटोरी बल्कि इस दौरान MBBS करियर को लेकर उनका मनोबल और उत्साह भी देखने लायक था। बहरहाल इस शिविर को सफल बनाने के लिए मजर खान सर, अमीन चौहान सर, सचिन कोरडे सर, विशाल ढोले सर, साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संचालक शेख रोशन, शेख रौनक, सुफियान शेख, राहत शेख, इमरान खान, पत्रकार जुबैर खान, धर्मराज गायकवाड़, यशवंत सुरवे पाटिल, पीपी पप्पू वाले, शोएब हनुमान रामावत, अनिल राठौड़, अजीम खान, किशोर कामले आदि ने उम्दा सहयोग दिया। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।